यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां एक व्यापारी से फिरौती मांगे जाने की खबर सामने आई है। जी हां, एक व्यवसायी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने का मामला सामने आया है। गुरुग्राम की यह घटना है। फिरौती ना देने की एवज में जान से मारने की धमकी दी गई है। और आपको बता दें कि फोन पर ये 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। फोन के द्वारा फोन किया गया, फोन पर मांगी गई ये फिरौती। पहले भी व्यवसायी की दुकान पर गोलियां चलाई गई थी, ऐसी खबरें सामने आई थी। और फर्रुखनगर तहसील के नामी व्यवसायी हैं जिनसे ये फिरौती मांगी गई है। और क्या कुछ खास है, क्या कुछ अपडेट है और पुलिस क्या कर रही है, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं गुरुग्राम से हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर का। गुलशन, फिरौती मांगी गई है और फोन किया गया है, और पुलिस अब क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, ये गुरुग्राम के पास एक फर्रुखनगर कस्बा है, जो कि वहां पर एक व्यवसायी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस व्यवसायी से फिरौती मांगी गई हो। इससे पहले भी जो बदमाश थे, उन्होंने व्यवसायी को बकायदा फोन करके उनसे 50 लाख की फिरौती मांगी और फिरौती न देने की एवज में उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी थी जी। अब फिलहाल जो है, फिर दोबारा से कल जो है आज सुबह फिर दोबारा से व्यवसायी पर फिरौती मांगी गई है, और व्यवसायी की दुकान पर 2 से 3 गोलियां भी जो है उन्होंने चलाई है, जिससे कि व्यापारी के अंदर दहशत हो और वो व्यापारी जो है बदमाश को अपनी जी। गुलशन, फिलहाल पुलिस इस मामले में क्या कुछ कर रही है, क्या पुलिस में कंप्लेंट दी गई है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, अभी पीड़ित ने जो है पुलिस को ये शिकायत दी है, और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर रही है कि जिस फोन कॉल से व्यवसायी को फोन आया था जी, उस फोन कॉल की डिटेल निकाली जा रही है, निकाली जा रही है कि आखिरकार वो किस बदमाश का फोन था जी, या कहां पर इस समय वो फोन जो है मौजूद है, उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। गुलशन, क्या व्यापारी व्यवसायी से आपकी बात हो पाई है, क्या किसी पर शक हो या पहले भी उसको ऐसी धमकियां मिलती रही हो? देखिए, बिल्कुल, हमारी व्यापारी से बात हो पाई है। उन्होंने यही कहा है कि लगातार बदमाश जो है मुझसे फिरौती मांग रहे हैं, क्योंकि फर्रुखनगर जो तहसील में मेरा जो है, मैं यहाँ पर व्यापारी हूँ और कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर ये बदमाश दहशत फैलाना चाहते हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है, उसकी भी शिकायत हमने पुलिस को दी थी जी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब दोबारा से हमने पुलिस को शिकायत दी है, तो अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम उन्हें जल्द से गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल, देखना होगा पुलिस आश्वासन के अलावा और क्या कुछ करती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलशन। तो एक व्यवसायी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और फोन किया गया बदमाशों की तरफ से, फोन करके फिरौती की मांग की गई है, और डराने के लिए उस व्यवसायी को उसकी दुकान पर कुछ गोलियां भी चलाई गई हैं। हालांकि अब व्यवसायी ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, पुलिस में शिकायत दी है, लेकिन देखना होगा। पुलिस ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन आगे पुलिस क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। व्यवसायी को पहले भी धमकियां मिलती रही हैं, पुलिस में पहले भी शिकायत दी गई है, लेकिन पहले भी कुछ नहीं हुआ। और अब पुलिस क्या कुछ करेगी ये जरूर देखने वाली बात होगी।